हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ रोज़ प्लांट पे बात करने वाली हूँ। वैसे तो लेकिन सोचा मैंने थोड़ा सा अपने फ्लावर अपने गार्डन के दिखा देती हूँ। देखिए हिबिस्कस बहुत ही सुंदर से ब्लूम्स होना शुरू हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर येलो वाला, येलो में भी लगभग कलियाँ, देखिए ढेर सारी कलियाँ बनी हुई हैं। आज इनकी मिट्टी लग रहा है मुझे थोड़ी सी ड्राई हो रही, मैंने पानी नहीं दिया है आज इनको। और दोपहर के 1 बज रहे हैं, बहुत ही तेज़ धूप निकली हुई है हमारे यहाँ। आज मैंने देखिए पूरा मिट्टी और थोड़ा सा राइस के मिक्स करके इसको सूखने के लिए डाला था। मतलब मिट्टी एक बार मैंने सुखाई थी लेकिन वो फिर से गीली हो गई थी, तो राइस भी मिलाया था साथ में, क्योंकि मैं कुछ अडेनियम अभी रिपोर्ट करने वाली थी, तो उसी के लिए मैंने ये मिट्टी सुखा करके यहाँ पर रखी हुई है, फैला करके रखी है। और इधर भी कुछ फैलाया हुआ है। गार्डन की क्लीनिंग भी करनी पड़ती है और फिर से फैलाना पड़ता है, कर भी कह सकते हैं, ये तो काम ही है हमारे गार्डन का, तो ये भी ज़रूरी होता है। इधर देखिए इसमें पिंक वाले में, और इसमें भी ढेर सारी कलियाँ हैं। इधर ये देसी वाले पिंक वाले हैं, ये देखिए ये भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है। इसमें तो ढेर सारे फूल है, उधर भी देखिए खिला हुआ है। और ये हमारे पर्पल वाले, और ये मिनेचर हैं। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ, ये सब अभी जो हमने खाद दी है उसी का असर है, जिससे बहुत अच्छी ब्लूमिंग शुरू हो गई है, काफ़ी सारी ढेर सारी कलियाँ आ रही हैं। तो हम बात करने वाले हैं रोज़ के प्लांट पर, तो चलिए चलते हैं उसी के पास हम। और आपको मैं बताने वाली हूँ, जब मैं उस पर काम करूँगी तब तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल काम नहीं कर रही हूँ इस पर। तो अभी जैसे कि आपके रोज़ प्लांट हैं ना, आप उनको जब आपको ये चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी वही चीज़ें करूँगी जो मैं अपने गार्डन में कर रही हूँ, करूँगी वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे आपको इसकी प्रूनिंग करनी है, अक्टूबर में हम प्रूनिंग करते हैं, अक्टूबर के शुरू से भी कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग 15 अक्टूबर के बाद से शुरू करते हैं, कुछ लोग 25 अक्टूबर तक प्रूनिंग करते हैं। तो अपना अपना एक होता है कि अपना एक टाइम रूटीन अपना मतलब हम फिक्स करते हैं। तो मैं लगभग 15 अक्टूबर तक में इनकी प्रूनिंग करूँगी। तो मेरा जो है, मैं 15 अक्टूबर तक में प्रूनिंग करना शुरू करूँगी इन प्लांट्स की। मेरे पास 10 से 12 13 प्लांट हैं रोज़ के। तो उससे पहले हमको क्या करना है, वो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले आपको जब भी आपकी प्रूनिंग करनी है, प्रूनिंग से कम 20 दिन पहले आपको अपने गमलों में ऑर्गेनिक खाद दे देनी है। जैसे कि खाद में आप देंगे बोन मील, नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट। ये तीन चीज़ें अगर आप देते हैं तो इतना काफ़ी होता है। अगर आप हॉर्न मिल दे सकते हैं तो उसको भी दे सकते हैं। और केमिकल आपको उस टाइम पे नहीं देना है अभी के टाइम पे। तो मैं क्या करूँगी, अब जैसे सितंबर का एंड आ गया है, तो सितंबर ख़त्म होने वाला है और अक्टूबर शुरू होने वाला है, तो 15 अक्टूबर से पहले पहले, लगभग 15 दिन पहले मैं इन सब प्लांट में खाद बना के दूंगी। जो मैं दूंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी जिस दिन भी। अभी क्या है, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, तो खाद वहां से लेकर के आऊंगी, उसके बाद मैं दूंगी। तो इस तरह से देखिए, अभी जो फ्लावरिंग है ना मेरे गार्डन में, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि फूल नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें एक एक प्लांट में 5-5 6-6 प्लांट फूल आए हुए हैं। तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अभी इंसेक्टिसाइड भी बंद कर दीजिए, पेस्टिसाइड जो फंगिसाइड है वो भी सब बंद कर दीजिए। उसके लिए प्लांट को बस ऐसे छोड़ दीजिए 15 दिन के लिए, बस इनको क्या करिए, ऑर्गेनिक खाद दे दीजिए। अगर आप अभी प्रून करने वाले हैं, अगर आप 25 अक्टूबर तक प्रून करने वाले हैं तो भी आप दे दीजिए। लगभग 20-25 दिन पहले हमको खाद अपने प्लांट में दे देनी है। मुझे दे देना था क्योंकि मुझे 15 अक्टूबर को प्रूनिंग करनी है, मतलब 14-15-16 अक्टूबर तक में इनकी प्रूनिंग कर लेनी है। तो वैसे तो 20 दिन का टाइम है, लेकिन अगर आप 15 दिन पहले भी देंगे तो भी चलेगा। तो मैं 15 दिन पहले ही इनको खाद देने वाली हूँ। तो आज तो खाद नहीं दूंगी, मैंने बताया अभी आपको कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अभी जितने भी फूल आ रहे हैं इनमें आने दीजिए, इनकी बडिंग मतलब बड को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दीजिए। अगर बारिश हो रही तो बारिश का पानी अच्छे से इनको मिलने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, खाद देने के बाद आपको छोड़ देना है 15 दिन के लिए। 15 दिन बाद आप इनकी प्रूनिंग कीजिएगा, आप जितनी भी प्रूनिंग करना चाहें, हार्ड प्रूनिंग, जैसे कि प्रूनिंग किस प्लांट की किस तरह से की जाती है जब करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। छोटा प्लांट है आपका, 1 साल का प्लांट है, तो आप उसकी बिल्कुल मतलब थोड़ी थोड़ी टिप की प्रूनिंग कीजिएगा। और कम से कम जो 2 साल पुराना प्लांट है आपके पास, उसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। वैसे मैं इस बार अपने प्लांट की बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करूँगी, मुझे थोड़ा सा हाइट में चाहिए अपने प्लांट, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करूँगी। मतलब हर बार मैं बिल्कुल नीचे से 1 फीट की हाइट से कट करके छोड़ देती थी, लगभग इस बार मैं 2 फीट की हाइट से कट करूँगी इनको। तो प्लांट का जो लुक है ना, वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फूल देखिए अभी भी आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। फूल को प्लांट में सूखने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उनको तोड़ने की। आप उनको स्ट्रेस में मतलब आराम करने दीजिए, कहने का मतलब ये है। आप 15-20 दिन इनको रेस्ट पर रहने दीजिए, 15 दिन प्लांट को। और
जो मिट्टी की गुड़ाई करके थोड़ा सा बस इनमें कंपोस्ट दे दीजिए। अगर आप बोन मिल वगैरह नहीं पसंद है आपको तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो अपने आप में कंप्लीट फर्टिलाइज़र माना जाता है। उसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनाइज़म होते हैं जो कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, और लगभग अगर आप हर महीने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही देते हैं प्लांट को तो भी प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। तो वर्मी कंपोस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में आप नीम के फर्टिलाइज़र भी दीजिए, उससे भी आपके प्लांट को अच्छी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर भी देखिए, तो अभी कुछ भी नहीं करना, उसके बाद आपको क्या करना है, जब प्रूनिंग करेंगे हम इनके सारे पत्ते हमको हटाने पड़ेंगे, नए तरीके से हम इनको फिर से तैयार करेंगे, सारे पत्तों को रिमूव करेंगे। सारी मतलब कटिंग करने से पहले आपको सारे पत्ते प्लांट के निकाल लेने हैं, मतलब जितने से आप कट करेंगे कट कर दीजिए ऊपर से, लेकिन जो बचे हुए पत्ते होंगे ना उनको सबको आपको प्लांट से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनमें देखिए पेस्ट अटैक रहेगा। मेरे बस में नहीं है, सभी में ये प्रॉब्लम होती है, बारिश के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही है। मैंने इसीलिए इनको काफ़ी टाइम से इंसेक्टिसाइड वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि हमको इनके पत्ते तो हटाने ही हैं, और पत्ते हटाने के साथ साथ जितनी भी इनकी मतलब वीड्स वगैरह है सब क्लीन करनी है अच्छे से, ये सारे काम हमको कर लेने हैं। तो ये हमको 15 दिन बाद सारा काम करना है। अभी जो आपको काम करना है वो देना है फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता दिया, आप साथ में एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं। नीम केक फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट, बोन मिल और एप्सम सॉल्ट, साथ में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दे सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इनको आप दीजिए अपने प्लांट में, 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए उसको, उसके बाद आप 15 दिन के बाद उसकी प्रूनिंग करिए, फिर आप देखिएगा उसके रिजल्ट कितना अच्छा मिलेगा। उसके बाद फिर मैं आपको और भी बताऊँगी, जब भी जो भी प्रोसेस करूँगी ना रोज़ प्लांट पे, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।